हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। इस लाइव वीडियो में आपका स्वागत है वंस अगेन। सो रिटेल मैनेजमेंट में वी वर स्टडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पैक्ट फुल रोल एंड बिकॉज ऑफ रिटेल मैनेजमेंट वी एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एज एन बिजनेस ओनर्स और बिजनेसमैन वी जनरेट हाई एनुअल सेल्स एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज जितना ज़्यादा सेल्स होता है उतनी ज़्यादा हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता है, और वो ज़्यादा डेवलपमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इट ऑफर्स अ नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज टू नेम अ फ्यू आर स्टोर मैनेजमेंट, मर्चेंडाइजिंग एंड ओनिंग अ रिटेल बिजनेस। तो रिटेल मैनेजमेंट से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और उनमें से कुछ हेडिंग्स या फिर डिविजन्स है कि स्टोर मैनेजमेंट में आपको काम मिलता है, मर्चेंडाइजिंग में आपको काम मिलता है, और रिटेल बिजनेस को ओन करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे हम फ्रेंचाइजिंग भी कहते हैं एक तरीके से। सो सिग्निफिकेंस में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि ये एक फैसिलिटेट एक हमें फैसिलिटी देता है कंज्यूमर्स को चॉइस करने की, जो भी ऑफर्स हैं वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आप उनमें से कोई एक आधा ऑफर सेलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप एप्रन लेने जाते हो, कोई शर्ट टी शर्ट खरीदने जाते हो, सो आपको नंबर ऑफ ऑफर्स जब मिलते हैं उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, हम जो भी मॉल्स में जाते हैं वहाँ पे जो भी स्टोर या आउटलेट है दे ऑल आर रिटेल मार्केटर्स, भले वो उनके ब्रांड के नाम्स क्यों ना हो। ठीक है, भले ही वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगोज या फिर उनके कंपनी के ब्रांड वैल्यू के साथ चलते हो, बट दे ऑल आर रिटेल मार्केटियर, और वो कस्टमर्स को चॉइस ऑफर करते हैं। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय थ्री गेट टू फ्री। ठीक है, 5,000 का शॉपिंग करो एंड गेट 20% 30% कैश बैक, 50% और 100% कैश बैक। इट डिपेंड्स कि वो क्या ऑफर दे रहे हैं। इन एडिशन इट क्रिएट्स प्लेस टाइम एंड पोजिशन यूटिलिटीज। तो ये टाइम भी क्रिएट करता है, पोजिशन भी क्रिएट करता है, और एक पोजिशन यूटिलिटीज या फिर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, टाइम सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, और प्लेस सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल्याण के किसी कल्याण या डोंबिवली के किसी मॉल में जाओगे, मेट्रो या फिर एक्सपीरिया मॉल में, ठीक है, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरिया मॉल एंड मेट्रो मॉल। ठीक है, मेट्रो मॉल इज छोटा सा लिटिल बिट स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एक्सपीरिया मॉल। ठीक है, कम फ्लोर्स, लगभग उतने ही फ्लोर्स हैं, बट जितने अवेलेबिलिटीज ऑफ स्टोर्स है वो थोड़े कम है एज कम्पेयर टू एक्सपीरिया। लेकिन वही अगर आप बॉम्बे के साइड में जाओगे तो आपको एक्सपीरिया मॉल भी बहुत छोटा लगने लगेगा, बिकॉज प्लेस मैटर्स, द यूटिलिटी, द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस मैटर्स। देन टाइम ऑल्सो मैटर्स, अगर आप एक घंटे के लिए मॉल जा रहे हो एंड देन यू आर जस्ट रोमिंग, और आपने रोम किया है बट विंडो शॉपिंग भी नहीं किया है, सो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कभी कभी, राइट। सो रिटेल मार्केटिंग या फिर रिटेल मैनेजमेंट जो है वो आपको प्लेस का, आपके टाइम का और पोजिशन का यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन दे। इट इन्हांसेस द प्रोडक्ट इमेज। बेसिकली जो रिटेलर्स है वो प्रोडक्ट के इमेज को इन्हांस करते हैं, और उनका जो डिस्प्ले है, उनका जो तरीका है प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का, दैट इज वेट इज। द रिटेलर पार्टिसिपेट इन द स्टार्टिंग प्रोसेस बाय ऑफरिंग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स एंड सेल। रिटेलर स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंसेस द वेट एंड डेप्थ ऑफ द असॉर्टमेंट। ये जो रिटेलर्स है वो अलग अलग तरीके से हमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल करवा के देते हैं, सर्विसेज जो है अलग अलग तरीके से हमें प्रोवाइड करवा के देते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो दे विल मेक श्योर कि इफ़ यू आर अ रेगुलर कस्टमर एंड इफ़ यू आर अ हाई पोटेंशियल कस्टमर, सो दे विल ब्रिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर सप्लायर, बट दे विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। और वो स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं आपको इन्फ्लुएंस करने की, और इन डेप्थ एंड विथ असॉर्टमेंट होता है आपके रिटेल मैनेजमेंट। They provide information to consumers through advertising, displays and signs and sale personnel. ठीक है, वो हमें information देते हैं हमारे consumers को, एक तो advertising से, दूसरे displays से, थर्ड signs and sales personnel से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से वो हमें information देना चाहते हैं कि हमारा जो product है वो कैसे sale हो रहा है, क्या offers है, क्या discounts है, ठीक है, क्या क्या services हम provide करते हैं, etc.
Then marketing research support is given to other channel members, retailers also store merchandise, mark prices on it, display them. मार्केटिंग रिसर्च भी सपोर्ट करता है अदर चैनल्स को, अदर मेंबर्स को, और उन्हें पता चलता है कि यहाँ का जो लोकेलिटी है वो किस कॉस्ट के प्रोडक्ट्स परचेज करता है एंड किस तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करता है. देन रिटेलर्स को मर्चेंडाइज या मार्क प्राइस जो है वो भी डिस्प्ले करना होता है, बिकॉज जब तक आप डिस्प्ले नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बताओगे, तब तक कंज्यूमर्स को नहीं पता चलेगा. ठीक है, सेम वे अगर हम लोग जूम पर आते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं एंड वी डोंट शो ऑफ द मटेरियल्स ऑफ कंटेंट, तो आपको भी कभी कभी वो अलाइन करने में दिक्कत हो जाता है. ठीक है, सो जब आपके स्क्रीन में कोई कंटेंट या मटेरियल्स है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हैं और हमें कहाँ पर फोकस करना है, राइट. सो विजिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और वैसे ही रिटेलर्स जो है स्टोर मर्चेंडाइज की विजिबिलिटी में रखते हैं. मार्क प्राइस जो होता है वो भी आपको उनका टैक्स के थ्रू डिस्प्ले में दिखेगा. ठीक है, एंड ऑफर जो है वो एक स्टैंडी के थ्रू या छोटे स्टैंडी लॉलीपॉप्स के थ्रू या फिर छोटे छोटे टैक्स के थ्रू आपको वो ऑफर्स डिस्प्ले कराते हैं. रिटेलर्स पे फॉर द मर्चेंडाइज बिफोर सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर, दे डिसाइड द लोकेशन, टाइमिंग, क्रेडिट पॉलिसीज एंड डिलीवरी. जो भी मर्चेंडाइज है वो ऑलरेडी परचेज करते हैं. ठीक है, और उनके एंड में वो उनका जो पेमेंट है वो क्रेडिट पॉलिसीज को फॉलो करके, उनके जो डिलीवरीज है उसको फॉलो करके, हम जैसे कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट परचेज करके रखते हैं. एंड इन अगेन जब हम परचेज करते हैं सो दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर देम. सो रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर से ऑलरेडी प्रोडक्ट मंगा लेते हैं एंड वो अपने स्टोर्स में अवेलेबल करवा के रखते हैं, सो दैट एंड कंज्यूमर परचेज करने से पहले वो स्टोर के नाम पे हो एंड देन स्टोर कैन सेल that particular product or list of products as per their convenience and demand in the market. Then retailer जो है वो value create करते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके से they'll provide you an assortment of product and services. आपको जो services चाहिए वो आपको assort करके देते हैं, sort out करके देते हैं. आपका जो particular product category है वो right side में होगा store के, particular Y कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है दूसरे राइट साइड में होगा. ठीक है, सो देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिसको वो सॉर्ट आउट करके रखते हैं. एंड सर्विसेज भी ऐसे ही होते हैं कि अगर आप कोई सर्विस लेने जाए किसी की रिटेलर्स के पास, मर्चेंट के पास, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस हो या फिर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो, पर्सनल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो सर्विसेज आर देयर. एंड इंश्योरेंस में भी टाइप्स है, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, देन आपके चाइल्ड प्लान्स होते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, तो उस तरीके से आपका जो सर्विस है डिवाइड होते जाते रहता है. देन देयर आर नंबर ऑफ डेस्क, आपको पर्टिकुलर पॉलिसी निकालना है तो डेस्क नंबर वन में जाओ, इसके बाद अलग पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए डेस्क नंबर टू में जाओ. देन ब्रेकिंग बल्क, वो पूरे बल्क मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं सो दैट यू कैन चेक इट आउट. वो सैंपल्स को बाहर रखते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को बाहर रखते हैं कि यू कैन पिक इट अप एंड यू कैन बाय दैट. एक ही तरीके का प्रोडक्ट वो दो तीन कलर्स में, दो तीन साइज में आपको अवेलेबल करवा के रखेंगे डिस्प्ले में, सो दैट पूरा जो उनका बल्क है, जो गोडाउन में पड़ा है सामान, वो एक साथ नहीं लेकर आते हैं, वो डिवाइड करते हैं, बल्क को ब्रेक करते हैं. देन होल्डिंग इन्वेंट्री, दे होल्ड द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं जब तक जो डिस्प्ले का प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो जाता है, तब तक दे विल होल्ड देयर इन्वेंट्री. और जो भी मटेरियल्स अवेलेबल करवाना है एज पर डिमांड, दे विल कीप देम इन देयर इन्वेंट्रीज एंड देन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जो भी बिफोर सेल सर्विसेज हो या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज हो वो आपको प्रोवाइड करके देते हैं. सो दीज आर द वेज जहाँ पे रिटेलर जो है एक वैल्यू क्रिएट करता है कस्टमर्स के दिल और दिमाग में. एंड इफ द सर्विस इज गुड एट द एंड यू विल मेंटेन योर प्रोडक्ट लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी, राइट. और उस तरीके से आप अगेन एंड अगेन उस रिटेल शॉप में जाके परचेस करोगे. नाउ देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर्स. इस रिटेल सेक्टर के ग्रोथ के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो एक की रोल प्ले करता है डेवलपमेंट और ग्रोथ इस रिटेल इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली जब इंडिया के बारे में बात करेंगे. सो नंबर वन फैक्टर इज कंज्यूमर पुल.
it is one of the largest that has contributed to the growth of retail sector in India. The retailers are trying to offer a range of products and services to satisfy the needs of the middle and upper class, right? So middle and upper class customers जो है उनको कंज्यूमर्स का जो पुल है वो रिटेल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों ने वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है परचेज किया. ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, आई विल कनेक्ट यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. यस, सो कंज्यूमर पुल में क्या होता है कि कंज्यूमर्स आर गेटिंग पुल टू द ऑफर्स अवेलेबल विच इज़ कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो एंड विच इज़ प्रॉफिटेबल टू द रिटेलर्स ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ द वाइड वेराइटी एंड बिकॉज ऑफ द रिटेलर्स एफर्ट्स इन गिविंग द प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल एट अ सेटिस्फैक्ट्री प्राइस एंड सर्विसेज इन अ वेरी डिफरेंट वेज. ठीक है, और ये जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहता है और उसी तरीके से जो प्राइसिंग होती है वो डिसाइडेड होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप थाने रीजन में आओगे, थाने टू कल्याण बदलापुर अगर आप जाओगे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रेंज फिक्स होता है. किसी भी ब्रांड में जाओ, किसी भी ब्रांड के शॉप में जाओ, लेकिन वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप मुंबई साइड में जाओगे, वेस्टर्न साइड में जाओगे तो थोड़ा सा क्वालिटी चेंज होगा. ठीक है, थोड़ा सा प्राइस में भी चेंज आपको दिखेगा अगर वो लोकल ब्रांड है तो. लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड की बात करते हो तो उनका कोई भी स्टोर में जाओ, दे विल गिव यू द सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विसेज. सो कंज्यूमर पुल इज देयर रिटेल मैनेजमेंट में. और जब आप रिटेलिंग करते हो अच्छे तरीके से और आपका जो प्रोडक्ट है और आपके जो प्राइजेस हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, आपका जो एम्बियंस है, आपका जो वैल्यू एडेड सर्विस है और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट या फिर पेमेंट फैसिलिटी है, वो जब आपका अलग तरीके से आप मेंटेन करते हो, देन इट ब्रिंग्स मोर कंज्यूमर्स. आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ पे अनलॉक जब हुआ था कोरोना के बाद, तो आई वेंट टू अ बिग बाजार शॉप, बिग बाजार रिटेल आउटलेट. वहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग की एंड देन आई आस्क्ड फॉर गूगल पे. जबकि एक छोटे से छोटे दुकान वाला भी गूगल पे, पेटीएम, राइट, एवरीथिंग इज देयर. आप बस, आपके पास एक कॉमन स्कैनर होगा उस रिटेलर के पास या किराना शॉप के पास, यू नीड टू स्कैन एंड यू नीड टू पे. इतने बड़े आउटलेट के पास जो एक अच्छा खासा ब्रांड नेम नेशनल लेवल पे मेंटेन करता है, उनके पास अगर गूगल पे स्कैनर नहीं है या फिर पेटीएम स्कैनर नहीं है तो इट फील्स लाइक व्हाट बिजनेस आर यू डूइंग, राइट. सो दैट गेव मी अ बैड एक्सपीरियंस बिकॉज पेमेंट सर्विस जो है, इफ आई डोंट नीड टू पे बाई कैश, ठीक है, मुझे बाई स्कैन पे करना है या फिर मुझे बाई कार्ड पेमेंट करना है, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग द कार्ड, दे आर ओनली एक्सेप्टिंग द कैश. ठीक है, हार्ड कैश दे आर एक्सेप्टिंग. सो मेरे लिए वो दिक्कत की बात है कि यू आर नॉट गिविंग मी पेमेंट ऑप्शंस. ठीक है, कार्ड पेमेंट आप बोलते हो तो वेल एंड गुड, आई हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. ठीक है, लेकिन आप कार्ड भी नहीं ले रहे हो, देन यू डोंट हैव योर स्कैनर और यूपीआई पेमेंट्स. ठीक है, देन हाउ कैन वी ब्रिंग इन द कैश, राइट. सो और ऐसा टाइम है जहाँ पे गवर्नमेंट इज सेइंग कि डू नॉट यूज कैश, यूज यूपीआई कार्ड्स और एक्सेट्रा. ऐसे टाइम पे कंज्यूमर्स जो है
वो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम पेमेंट ऑप्शंस। अगर रिटेलर आपको सेम बिहेवियर देता है, सेम एक्सपीरियंस देता है, देन यू वोंट गो अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपके पास एक माइंडसेट बना रहता है यार, दे डोंट गिव यू पेमेंट ऑप्शंस एंड देन यू नीड टू कैरी योर हार्ड कैश। और अगर आप 5-6 हज़ार या 10 हज़ार का बिल बनाते हो, देन फ्रॉम वेयर यू कैन ब्रिंग दी मनी, जबकि उस मॉल में एटीएम्स भी अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मॉल्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बट मे बी इन केस मशीन बंद है या फिर आउट ऑफ सर्विस है एटीएम, तो आप कहाँ से लाओगे? सो ये बैड एक्सपीरियंस जो है आपके रिटेलर को, आपके जो जिस रिटेल शॉप में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लेकर जाएगा। तो इसलिए पेमेंट सिस्टम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके आप किसी भी तरीके का पेमेंट कर सकते हो। यू कैन गिव अस सम कूपन्स और ऑफर कूपन जो आपको आपकी कंपनीज ने दिया है एक्सेट्रा। सो इन एडिशन नंबर ऑफ डबल इनकम फैमिलीज जो है वो उनका इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, सो दे गो आउट दे शॉप फॉर अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल, दे शॉप फॉर देयर फैमिली, दे शॉप फॉर देमसेल्व्स। और इससे रिटेल आउटलेट जो होते हैं या फिर रिटेलर्स जो होते हैं उनका बहुत ही फायदा होता है, एंड देन दे कंटिन्यूसली अपडेट देम कि वी आर कमिंग अप विद दिस ऑफर, वी आर कमिंग विद दैट ऑफर एक्सेट्रा। सो वी हैव एन एग्जाम्पल दैट हाइपर सिटी इन थाने ऑफर्स एवरीथिंग अंडर वन रूफ, दे प्रोवाइड द राइट एम्बिएंस विद वाइड असॉर्टमेंट एंड अट्रैक्टिव ऑफर्स टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। सो हाइपर सिटी मॉल जो थाने का वो एक ही रूप में आपको सब चीज़ प्रोवाइड करता है, इसलिए जब आप मॉल्स के बारे में गूगल या फिर मॉल्स के बारे में रिसर्च करते हो तो मॉल के लिए ये कहा जाता है कि इट इज़ अ वन प्लेस शॉप, वन प्लेस शॉप स्टोर, जहाँ पे आपको फिल्म से लेके कार तक सब चीज़ अवेलेबल हो जाता है। बट हर मॉल में ये अवेलेबिलिटी देना या फिर अवेलेबल करवा के देना समटाइम बिट मेक्स इट बिट डिफिकल्ट, राइट? सो कंज्यूमर पुल इज देयर, देन चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली योर आउटलेट जो है उस आउटलेट का आपको चेंजेस करना पड़ता है। सो चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, सो एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर का जो चेंज है वो रिटेल मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। इंडियन वुमेन स्पेशली इन द अर्बन एरियाज आर हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड एम्प्लॉयड। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, शी हैज टू मैनेज हर हाउस होल्ड एज हर फैमिली इज नीड केयर। विद एन इंक्रीज इन द फैमिली इनकम, कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर डिफरेंट लाइफ स्टाइल, दे लुक फॉर वन स्टॉप शॉपिंग एंड लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, असॉर्टमेंट, क्वालिटी, अट्रैक्टिव एम्बियंस एंड गुड कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर्स आर सीकिंग वैल्यू फॉर मनी फॉर द गुड्स परचेज एंड दिस नीड्स आर taken care by the supermarkets, departmental stores and so on. So nuclear families are common concept in the urban areas and it's common to see the family members going for shopping together and they look for places that not only offer shopping but also eating joints and entertainment, right? And today's malls offer a large variety in terms of categories, formats, movies, food courts, which add convenience and fun to the shopping. The initiative taken by the retailers not only help in creating differentiation but also provides different value propositions to the consumer. So changes in social structure and consumer behavior do attract the retail market. Sometimes it attracts the consumer to visit the retail market. Sometimes it's like makes it difficult, because now during lockdown jiske paas job the, jo IT sector mein the, jo वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट को अडाप्ट कर सकते थे, अगर उनकी कंपनी अडाप्ट करती है वर्क फ्रॉम होम को, तो उनके सैलरीज आर रनिंग, ठीक है, उनके सैलरीज वर रनिंग एंड एटलीस्ट नहीं नहीं बोल कर भी आपको 50% तो सैलरी मिल ही जाता था, ठीक है। तो इफ़ योर हस्बैंड एंड वाइफ एंड यू बोथ आर अर्निंग, तो 50% और 50% मेक्स इट 100। यस, आप पहले 20-25 thousand को शॉपिंग करते थे मंथली, but now you will come down to 10,000 or 15,000, but you will go out for shopping. Thus, when I say we were not doing anything, we were just sitting at home, enjoying our coffees, enjoying our Dalgona coffee,
enjoying number of wide varieties of status on our WhatsApp, Instagrams, ठीक है, बट वो लाइफ स्टाइल से वी वर बोर्ड। और हमें 10 महीने के बाद जब अनलॉक शुरू हुआ, जब मॉल्स शॉपिंग मॉल्स शुरू हुए, ठीक है, तो वी वेंट आउट एंड वी डिड शॉपिंग। सो ये सोशल स्ट्रक्चर का चेंज है, इट इज़ नॉट कंज्यूमर बिहेवियर। ये एक सोशल स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक और एपिडेमिक, ठीक है। अगर ये पैंडेमिक एपिडेमिक नहीं होता तो हमारा जो लाइफ है वो रूटीनली चलते रहता और हमारे लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है। ये एक सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ पर पैंडेमिक की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है, हमें हर टाइम सैनिटाइज करना पड़ता है, और हर रिटेल आउटलेट को सैनिटाइजेशन के लिए उनको एक सैनिटाइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, उनके सेल्स पर्सन को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, उनके सेल्स पर्सन को ग्लव्स लगाना बहुत ज़रूरी है, और हर प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया उनको। दिस इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर समझो रूटीन लाइफ है एंड कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें बढ़ जाता है, प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, जब रूटीन लाइफ है, सोचो कि पैंडमिक नहीं था, एपिडेमिक नहीं था, COVID-19 नहीं था, और सडनली प्राइजेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है, पेट्रोल प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, लोगों का जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने के चांसेस में है। अभी तक लोगों ने इतना सीरियसली अपने व्हीकल्स को कम यूज़ करने का सोचा नहीं है, लेकिन जिस समय जिस वक्त ये 100 टच होगा प्रोडक्ट का प्राइस, अब 94 पर लीटर है, 95 पर लीटर है, लेकिन जिस दिन 100 पर लीटर होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने व्हीकल्स को कहीं ना कहीं सेल करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना है तो ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर लॉन्गर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है या फिर शॉर्ट ड्राइव के लिए जाना है, एज पर देयर नीड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का जो बिहेवियर है वो चेंजेस लेकर आएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि दे में ई बाइक्स बाय एक्सचेंजिंग देयर पेट्रोल और डीजल व्हीकल, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, ठीक है, ई व्हीकल खरीदेंगे, या फिर अगर कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है तो दे में बाइक, ई साइकिल्स और नॉर्मल साइकिल्स। सो दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर के वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और कंज्यूमर को क्या चाहिए, अभी कंज्यूमर्स को एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे वो शॉपिंग भी करे, मन करे तो वो जाके मूवीज भी देखे, भूख लग रहा है या दे नीड सम टाइम टू सिट, सो फूड कोर्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, उनको कुछ लाइट खाना है तो वैसे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस उनको अवेलेबल हो। सो जब आप मॉल में जाते हो तो आपको लाइट से लेके हेवी तक सारे फूड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बर्गर किंग आपके पास अवेलेबल है जो आपको बर्गर के स्टाइल में वड़ा पाव ही सेल करता है, ठीक है, देन उसके बाद मैकडोनल्ड्स है, उसके बाद आपके पास सीसीडी है, अगर आपको सिर्फ कॉफ़ी या फिर कोई ड्रिंक एंजॉय करना है, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी, वॉट एवर इट इज़, या फिर लाइट कुछ स्नैक्स आपको खाना है तो उसके लिए भी सीसीडी अवेलेबल है, मैकडोनल्ड्स अवेलेबल है, थोड़ा बहुत हैवी खाना है, मीडियम रेंज में खाना है तो फिर KFC इज अवेलेबल, डोमिनोज इज अवेलेबल, सो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इज देयर, राइट। सो आजकल शॉपिंग मॉल्स आपको ये वेराइटी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट्स, इन टर्म्स ऑफ मूवीज, इन टर्म्स ऑफ फूड कोर्ट्स, जिसका कन्वीनियंस जो है कस्टमर्स का बढ़ जाता है। एंड अब सोशल स्ट्रक्चर में ऐसा हो गया कि दे बिकेम न्यूट्रल, ठीक है, एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पूरा फैमिली शॉपिंग के लिए जाता है बिकॉज दे आर काउंटेबल, ठीक है, वो काउंटेबल है, वो एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं, एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फैमिली में 15-20 लोग हैं या फिर जॉइंट फैमिली है और वहाँ पे 17-18 लोग हैं, दे डोंट हैव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एट देयर डोरस्टेप, मतलब उनके पास ऐसा कोई व्हीकल नहीं है कि एक दो व्हीकल निकाल के सब एक साथ मॉल्स में जाए। सो उस समय क्या होता है, घर के बड़े जो है वो ही जाते हैं शॉपिंग के लिए, या फिर बारी बारी में वन बाय वन, पहले बड़े जाएंगे, देन बच्चे जाएंगे, एंड देन एज पर द कैटेगरी जो अवेलेबल है वो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली जब होती है तो न्यूक्लियर फैमिली में
फैमिली पूरा शॉपिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, देन ये देखिए आपके लिए एक शॉपिंग मॉल का इमेज है, जहाँ पे हम लोग सेल भी देख रहे हैं, हम लोग अलग अलग आउटलेट देख रहे हैं, और एक क्रिसमस का सीजन है। देन रिटेलर जो है वो रिटेल प्रॉक्सिमिटी देता है कंज्यूमर्स को, और मैन्युफैक्चरर यहाँ पे क्या करता है, दे प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड गुडविल विच रीचेस द कंज्यूमर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिटेलर प्रोवाइड करता है वाइटल लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स, और रिटेलर जो है वो समझता है मार्केट को, कंज्यूमर्स के नीड को समझता है, कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करके सेम चीज़ मैन्युफैक्चरर को डिलीवर करता है, अकॉर्डिंग टू देम वो प्रोडक्ट को अल्टर करता है। बेसिकली फूड रिटेलिंग जो है इंडिया में वो इसके अर्ली स्टेजेस में है, और यहाँ का जो इन्फ्लुएंस है बाई वेस्टर्न कंट्रीज, उसका जो फीडबैक आता है कस्टमर्स को, कस्टमर से टू द मैन्युफैक्चरर, वो चेंज करता है फूड रिटेलिंग को, बिकॉज सबको अलग अलग तरीके का फूड चाहिए, सबको अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए हिसाब से चाहिए, किसी को स्पाइसी चाहिए, किसी को मीडियम स्पाइसी चाहिए, किसी को बहुत मीठा चाहिए, ठीक है, किसी को खट्टा मीठा चाहिए, सो इट डिपेंड्स। सो इंडियन कंज्यूमर प्रेफर टू टच एंड फील द प्रोडक्ट बिफोर दे बाय, सो इसीलिए यहाँ पे इंडिया में बेसिकली अनपैक्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अगर आप केक्स लेने जाओ तो वो भी डिस्प्ले में आपको दिखाई देते हैं, नॉर्मली पूरी दुनिया में सेम कैटेगरीज सेम तरीके से केक्स एंड पेस्ट्रीज को सेल किया जाता है, बट देन टू हमारा एक ऐसा बिहेवियर है कि पहले देखो, टच करो, थोड़ा टेस्ट करो एंड देन बाय। वी डोंट बिलीव ऑन द मैनुफैक्चरर, वी डोंट बिलीव ऑन द सेलर बेसिकली, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो देर इज नो बाई बैक पॉलिसी इन आर कंट्री, राइट। सो फूड रिटेलर सच एज रिलायंस, नीलगिरीज हैज कैप्चर्ड दिस ट्रेंड एंड स्टॉक मोर ऑफ फ्रेश फूड इन देयर आउटलेट। सो रिटेलर्स जैसे कि रिलायंस है, नीलगिरीज है, वो अलग अलग तरीके के फ्रेश फूड स्टॉक में रखते हैं, सो दैट पीपल कैन सी एंड पीपल कैन बाय एंड कंज्यूम क्विकली। सो इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं, वी बाय द प्रोडक्ट्स। यही अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाओगे तो अपने को पैक्ड तरीके से जो फ्रूट्स हैं वो भी पैक में मिलेंगे, हाफ के जी 1 kg वाले पैक्स में। देन एवोल्यूशन ऑफ फैमिली ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट, जब फैमिली ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट होता है तो इंडियन कंज्यूमर यूज टू मेक देयर परचेसेस फ्रॉम लोकल फैमिली बिजनेस, जैसे कि हम पापड़ लेते हैं लोकल फैमिली बिजनेस से लेते हैं, अचार लेते हैं लोकल फैमिली बिजनेस से लेते हैं। सो अगर उसका डेवलपमेंट होता है तो वो रिटेल में ही कन्वर्ट होता है। सो दिस स्टोर्स ऑफर कस्टमर्स नॉट ओनली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट एंड कम्पिटिटिव प्राइसेस। जैसे चितले बंधु है पुणे का, वो हमें कम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये कम्पिटिटिव प्राइस में जब प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा परचेस कर लेते हैं, हाफ के जी की जगह में 1 kg परचेस करते हैं, एंड स्पेशली वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन जो है बहुत अलग अलग तरीके से अवेलेबल होते हैं हमारे पास। कैश में भी दो, वो लोकल आउटलेट के तरीके से या फिर लोकल सेलर्स के हिसाब से दे विल मेक एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जब फैमिली ओन बिजनेस होता है तो उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है ज़्यादा नहीं होते, उनका जो एक्सपोजर है वो इंक्रीज होता है, बट नॉट अप टू द मार्क ऑफ अ ब्रांड जो रिलायंस या फिर किसी और ब्रांड का नाम अगर आप लोगे उतना वर्ल्ड वाइड नहीं होता है। लेकिन अगर उनका डिमांड एक बार बन गया सो पीपल कम्स फ्रॉम यू नो ट्रैवल करके आते हैं वो, और वो परचेज करने के लिए लेते हैं, या फिर वो उस शहर में जाते हैं तो वो शहर का जो स्पेशलिटी है लोकल फैमिली बिजनेस जो ओन किया हुआ रिटेल में कन्वर्ट किया हुआ बिजनेस है वहाँ पे हम लोग जाके परचेज करते हैं। नाउ दिस इमर्जेस द नीड ऑफ द कस्टमर विच कैटर्ड बाय द रिटेलर स्टोर्स, ठीक है, और ये जो रिटेलर स्टोर्स है धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को बढ़ाते हैं, एंड देन दे बिकेम लाइक रिलायंस ऑन द विजय सेल्स, यू नो दैट दे कैन क्रिएट एन ओवरऑल रिटेल एक्सपीरियंस एंड देयर बाय एनहांस कस्टमर्स ब्रांड इंटरेक्शन। विजय सेल्स आउटलेट नेमली VSDG कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर विद अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। सो विजय सेल्स का ही एक आउटलेट है VSDG करके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाता है। जैसे चितले बंधु हमने कहा, अगर वो फ्रेंचाइज चालू करते हैं तो उनका भी ब्रांड रिलायंस जैसा है विजय सेल्स जैसा हो सकता है, बट दे आर स्टिक टू देयर रीजन, दे आर स्टिकिंग टू देयर
फैमिली कल्चर्स, और उनको पता है कि अगर हमने इसको वाइड वैरायटी में लेके गया तो मे भी कुछ टेस्ट में, कुछ प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल्स में या फिर मेकिंग स्टाइल में चेंजेस आ सकते हैं। देन एमर्जिंग रूरल मार्केट है, इंडियन रूरल मार्केट जो है इमर्जिंग करता है कंजम्पशन यूनिट्स को। रूरल मार्केट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू शेयर देयर इनहिबिशन इन ऑर्डर टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। द मिडिल क्लास पॉपुलेशन अमंग रूरल एरियाज इज इंक्रीजिंग इन अमाउंट टू 17% ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन। हेंस द मार्केटर्स आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई रूरल रिटेल फॉर्मेट्स एंड इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू रीच आउट दोज रूरल कस्टमर्स। सो एमर्जिंग रूरल मार्केट है जहाँ पे हमारे पास स्कोप है, ठीक है, और स्कोप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूरल रिटेल फॉर्मेट क्या है, और वहाँ पे इनोवेटिव तरीके से हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। देन चेंजेस अकरिंग इन रिटेल सिनेरियोस, रिटेल सिनेरियोस में भी हम चेंज देखते हैं, और रिटेलर्स आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट नंबर ऑफ इनोवेशंस विद मैक्सिमम फोकस ऑन कस्टमर्स, मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मनी एंड मिनिमम प्रॉब्लम्स। एंड देयर आर टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड बाय द रिटेलर्स टू इंक्लूड द इंट्रोड्यूसिंग डिजाइन लेबल्स, रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला, न्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, and they are trying to enhance the sales staff quality and increasing overall operation efficiency so that customers can come again and again, and customers will to come again and again, and they will maintain their brand loyalty. Departmental stores such as Shoppers Stop, Westside, etc. have started their own labels and have helped in creating a story base. The malls are trying to attract their customers through the display of brands both old and new. The Forum Mall adopts revenue sharing model where there is an agreement with the tenants regarding revenue sharing and minimum guarantee. So there are number of benefits these retail outlets are keeping according to the scenarios. Franchising is an emerging format in retailing, and retail sector dealing with apparel and fashion retailing were the ones to adopt. So the retail sector is dealing with apparel and fashion retailing were the ones to adapt the current scenario as per the trends, as per the requirements, such as Bata, Liberty, Nike, Raymond's, Reebok, Wills, Sport, etc. are examples of retailing. Retailers like Food World, Vivek, etc. are using innovative methods to attract the consumers. So this beneficial the both retailer and the mall promoters, so that according to their agreement, according to their profit sharings, according to their earnings, they will do the business for a longer period of time. So tie up with the foreign partner is also another trend. Stores like Crossroad are in talks with Pyramid for strategic tie up with Australian and Far East retail players. So retailers also hire retail specialists or process integrators who have specialized domain knowledge. So we have number of options. Being a retailer, we adapt the scenarios. Then last is foreign direct investment. In this, what we do is, फॉरेन कंट्री के कुछ लोग इन्वेस्टर्स लोग अगर हमारे कंट्री के रिटेल्स में इन्वेस्ट रहे, सो दे विल एंटर द मार्केट, दे विल इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ बाइंग शेयर्स और डिबेंचर्स और मे बी बाई बाइंग सम बॉन्ड्स, ठीक है, एंड दे विल ट्राई टू ग्रो द बिजनेस, दे विल ट्राई टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट। सो ग्लोबलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज यू गेट द मनी, ठीक है, यू गेट द मनी which helps you for expansion, for developing your product, for growing your business vertically, horizontally, in any ways. Then corporate interest is there in retailing when the number of corporates are showing keen interest in setting up retail stores, like Reliance Industries has set up a Reliance Fresh, a convenience store format across the country in the lines of 7-Eleven stores, a fresh farm product producers, and a fresh farm produced fruits are available, vegetables and milks are available. So even the corporate world is interested and turning up for retailing. So something is there, and retailing is a very beneficial and a very long-term business, which will help the corporates and make many services available to our consumers also. Again, Star Bazaar is also an example. So we have done with our topic of the day. Then the next topic for our lecture will be scope of retail management.